बच्चों कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त टीचर नितिन अहलावत आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अहलावत एजुकेशन पैराडाइज में स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल की जो द्वारा जो आप लोगों को क्लासेस दी जा रही हैं उनसे खुश होंगे, उनके जरिए आप कुछ सीख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है क्लास 12th का जो मैट्रिसेस जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसी में आज हम पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है, जिनको हम ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे और फिर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में भी आज बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आपको आने वाली मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। और टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशंस, जिनको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। किसके लिए? एक मैट्रिक्स के लिए। एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोल दो या ट्रांसफॉर्मेशन बोल दो, बात एक ही होती है। ठीक है, यानी यहां पर हम एक मैट्रिक्स में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, और वो बदलाव क्या क्या हम कर सकते हैं उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, ओके तो सबसे पहला हमारा जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है, यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारे पास टोटल एलिमेंट्री जो ऑपरेशन है वो तीन तरह की होती है। ठीक है बेटा, चाहे आप उनको रो के अकॉर्डिंग कर लो या कॉलम के अकॉर्डिंग कर लो, हैं तीन ही तरह की। ठीक है, और वो तीनों तरह की जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले बताया गया इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स, यानी अगर आप रो के अकॉर्डिंग यानी जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है अगर वो रोस में भाई रो में लगा रहे हैं तो आप किन्हीं भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। उसको हम कैसे लिखते हैं, चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान के चलिए एग्जांपल के लिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। ठीक है बेटा, अब मैं इंटरचेंज कर रहा हूं। मैं इंटरचेंज कैसे करूंगा कि R1 को मैंने इंटरचेंज कर दिया R2 से, ये इंटरचेंज के लिए साइन होता है। ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा, यानी जो ये मेरी सेकंड रो है ये वाली, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, यानी 2 5 8 1 4 7 और 3 6 9। ठीक है बेटा, आप लोगों को बात समझ में आई कि हमने क्या काम किया है, R1 और R2 को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिया, बदल दिया। ठीक है, ऐसे ही हम कॉलम में कर सकते हैं। कॉलम में अगर करना हो, मान के चलिए मैं कहूं कि C1 इंटरचेंज C2, तब क्या होगा? तो देखिए C1 ये है मेरा, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो मैं C1 को C2 से इंटरचेंज कर दूं तो ये हो जाएगा 4 5 6 1 2 3 एंड 7 8 9। ठीक है बेटा, तो इस वाली ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, भाई इंटरचेंज बोलते हैं, चाहे वो रो के अकॉर्डिंग या कॉलम। ध्यान रखिएगा हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम दोनों में से किसी केवल एक को ही यूज कर सकते हैं, या तो हम रो के साथ यूज कर रहे हैं कॉलम्स के साथ। अगर आपने रो से स्टार्टिंग करी है तो एंडिंग भी रो से ही करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि एक बार आपने रो से कर लिया, एक बार कॉलम से कर लिया, फिर रो से कर लिया, फिर कॉलम से कर लिया, नहीं। ठीक है, आपको जिससे भी करना है एक से ही करना है। ठीक है, जनरली हम रो ऑपरेशन जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो यूज करते हैं जनरली। ठीक है, दूसरा है जो हमारी दूसरी ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, यानी किसी भी रो या किसी भी कॉलम की के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करनी है। किससे? बाय अ नॉन जीरो नंबर, यानी कोई किसी भी स्केलर क्वांटिटी से। देखिए उसको कैसे करते हैं, जैसे मेरी यही मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बेटा, और आप लोगों को करना क्या है, सिंपल, आप लोगों ने कहा कि भाई मैं R1 में कर रहा हूं 2R2, सॉरी 2R1, यानी मैं R1 के साथ 2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये स्केलर। ठीक है, तो कर लीजिए, ये आपकी रो 1 है, सॉरी ये रो 2 है, ये रो 1 है और ये रो 3 है, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बेटा, कर देते हैं, तो 2 4 8 2 7 14 2 5 8 3 6 9। ठीक है बेटा,
बात समझ में आई। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि ये हमने केवल इसको मल्टीप्लाई किया, ना आर टू में ना आर थ्री में, यानी सेकेंड रो थर्ड रो में हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया है, केवल फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ऐसे ही हम कॉलम में भी कर सकते हैं। कॉलम में अगर मान के चलिए करना पड़ जाए कि मैं यहां पर लिख देता हूं कि भाई सी वन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं थ्री सी, तो अब क्या हो जाएगा, देखिए ये है ना सी वन कॉलम वन, ये कॉलम टू, ये कॉलम थ्री, तो इसको कर देते हैं थ्री टू जो सिक्स, थ्री थ्री जो नाइन, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, ये दो हो गए। थर्ड देखिए, इसमें थर्ड में कहा गया है द एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, यानी वो तो हमें पता चल ही चुका है, या तो हम रो यूज करेंगे या कॉलम यूज करेंगे। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के जो एलिमेंट्स है, अगर मुझे उसका एडिशन करना है टू दी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ध्यान रखिएगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर, यानी हम किसी रो का किसी दूसरी रो के साथ दूसरी जो रो है उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और उसके साथ उसको ऐड कर दें। देखिए इसको आपको है ना थोड़ा सा मैं करके दिखाता हूं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल के लिए मेरे पास मैट्रिक्स मेरी यही है, मैं यही मैट्रिक्स ले रहा हूं और मैंने कंडीशन डाल दी ऐसे आर वन प्लस टू आर टू। ठीक है, देखिए ये R1 की और R2 को मैं ऐड कर रहा हूं, बट मैंने R2 को 2 से मल्टीप्लाई भी किया है। यहां पर ध्यान से द एडिशन, एडिशन हो गया वो प्लस है, ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। तो किसी भी रो को, भाई जो रो थी मैंने उसको एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद रो वन में उसको मैंने प्लस कर दिया। तो अब क्या बनेगी मेरी मैट्रिक्स, देखिएगा अब ये बन जाएगी सिंपल, भाई ये और इसको भाई टू से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर दो, तो टू टू जा फोर प्लस टू कितना हो गया बेटा सिक्स, सॉरी मैंने यहां पे देख लिया ये है, सॉरी टू टू जा फोर प्लस वन फाइव, और फाइव टू जा टेन प्लस फोर फोर्टीन, एट टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन और सेवन ट्वेंटी थ्री, बाकी ऐसे आ जाएगा टू फाइव एट थ्री सिक्स नाइन। ठीक है, ऐसे आप कॉलम में भी कर सकते हो। ओके, तो बेटा ये होती है वो तीन एलिमेंट्री ऑपरेशन जिसके बिहाफ पे एक्चुअल में जब आप इन्वर्टिबल मैट्रिक्स सॉल्व करते हो ना तब आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो वहां पर आपको इसी के बिहाफ पे इनवर्स निकालना पड़ता है किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये एलिमेंट्री ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इनका यूज हम आगे करेंगे, जब करेंगे तब आप लोगों को और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है ना, बट आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि इंटरचेंज का मतलब क्या होता है। इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ, हमें किन्हीं भी दो या किन्हीं भी दो कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज यानी बदल देना है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन क्या, यानी किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी नॉन जीरो नंबर यानी किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी सिंगल को। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए, हम सिंगल रो या सिंगल कॉलम को भी मल्टीप्लाई कर सकते। थर्ड जो हमारे ऑपरेशन है उसमें हमने ये बताया कि हम अगर किसी रो को किसी दूसरी रो या किसी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम से ऐड कर रहे हैं तो हम दूसरे कॉलम को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके भी उसके साथ ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को ये फंडा क्लियर हो गया होगा। ओके, अगर क्लियर हो गया है तो प्लीज एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों हम लोगों ने अभी जो इससे पहले पढ़ा वो हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या कॉलम ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि उससे हमें हेल्प मिलेगी किस में, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने में। तो चलिए अब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इन्वर्टिबल, सबसे पहले देखते हैं कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है, क्योंकि जब तक वो ही नहीं पता होगा तो समझ में नहीं आएगा। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, अगर हम ये मान के चले एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है बेटा n, एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स b, अगर मैं ये मान के चलूं कि वहां पर b एक और एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका भी ऑर्डर सेम है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इस तरह से है कि ए बी इक्वल्स टू बी और इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है ना, यानी अगर ए बी इक्वल्स टू बी ए के है और ये दोनों भाई किसके इक्वल आ जाए आई के, तो देन हम कहेंगे बी क्या है, ए की क्या है,
इनवर्स मैट्रिक्स है, ठीक है, और हम इसको डिनोट करते हैं ए इनवर्स। अभी हम ए इनवर्स निकालना सीखेंगे भी कि इनवर्स निकालते कैसे, और ये बी इसकी इनवर्स मैट्रिक्स कैसे है ये भी हम पता करेंगे। अभी केवल हमें हम ये बता रहे हैं कि अगर ए हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी भी हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर सेम है और ए बी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी है, तो देन हम ये कहेंगे कि जो बी है वो ए की क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स है, ठीक है, ओके। आगे फाइंड करने का तरीका भी मैं बताऊंगा, अभी टेंशन नहीं रहने का, ठीक है ना। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, अगर मैं ये कहूं कि बी ए की इनवर्स मैट्रिक्स है, बी क्या आ रही है यहाँ पर, एक इनवर्स मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये है कि ए बी की भी इनवर्स मैट्रिक्स होगी, यानी उल्टा, यानी हम ये कह सकते हैं कि ए बी की इनवर्स और बी ए की इनवर्स है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ओके, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलिए अब अगर आप लोगों को ये भाई पॉइंट क्लियर हो गया है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए एंड देन फिर मैं आपको बताता हूं कि हम इनवर्स मैट्रिक्स निकालते कैसे, ठीक है ना, उसके जो स्टेप्स होते हैं वो आपको समझाऊंगा, फिर आपको जो मेरी जो इसके बाद की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर मैं स्टेप बताऊंगा कि कैसे हमारे लिए, ये भी बताऊंगा कि बी कैसे इनवर्स मैट्रिक्स है और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, अभी हमने इससे पहले जो हमने दो चीजें पढ़ी है, एक तो रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एंड कि इनवर्स मैट्रिक्स या इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। अब हम इनवर्स मैट्रिक्स को फाइंड करने का तरीका, यानी जो उसकी एल्गोरिथम है या उसके स्टेप्स हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लेके चलता हूं कि लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, यानी एन ऑर्डर की कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अभी हमें नहीं मालूम, ठीक है ना, कुछ भी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप मान लीजिए इसको, ठीक है, जब ध्यान रखिएगा ये रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं यही लिख देता हूं, ठीक है बेटा, ये रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो बेटा, नॉर्मली जनरली तो हम यूज रो ही करते हैं, लेकिन फिर भी, तो आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो हो जाएगा ए इक्वल्स टू ए एन, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखिए एक्चुअल में अब आपके पास दो साइड हो गई बेटा, ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गई आपकी राइट हैंड साइड, ओके। ध्यान रखिएगा ये जो ए मैट्रिक्स है इसको आपको ए ही लिखना है, इसमें कोई मैट्रिक्स पुट नहीं करनी है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है ना, डोंट चेंज, यानी इसको चेंज नहीं करना। अब हमें करना क्या है, अब हम जो रो ट्रांसफॉर्मेशन है या एलिमेंट्री ऑपरेशन है रो की, वो हम किस किस पर लगाएंगे, इस पर और इस पर, ठीक है ना, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर और जो मैट्रिक्स ए है उस पर, ठीक है, इसको हम ए ही लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमें वो ट्रांसफॉर्मेशन करके लाना क्या है, हमें क्या काम करना है, इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इट, सॉरी इट इनटू आई, यानी हमें इसे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, ठीक है बेटा। और ये जो ये वाली मैट्रिक्स है, क्योंकि जो ऑपरेशन आप इधर लगाओगे वो इस पे भी लगेगी, ध्यान रखिएगा, अगर आप इस पे जो भी लगाओगे वो इस पे भी लगेगी, तो जब आप इस पे लगाओगे ऑपरेशन, तो जाहिर सी बात है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी और मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, तब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं रहेगी। अब उस मैट्रिक्स को मैं मान लेता हूं कि वो मैट्रिक्स मेरी बन के आ गई बी, क्योंकि इसको तो मुझे चेंज करना ही है, ये तो ऐसे ही आएगा मेरा, इसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब बात आती है कि मैं फिर जब आप इस कंडीशन में आ जाएंगे, यानी आपका ये निकल के आ जाएगा, ठीक है, ओके, देन ये जाएगा इधर, ये क्या हो जाएगा, और मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करते हैं तो वही आती है, तो इस किसके साथ मल्टीप्लाई क्या होती है, इनवर्स, यानी बी जो है वो ए का क्या कहलाएगी, इनवर्स। अभी मैंने इससे पहले भी बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि बी इनवर्स क्यों है, बी ए की इनवर्स मैट्रिक्स क्यों है, तो इसलिए इनवर्स मैट्रिक्स, ओके बेटा, याद रहेगा,
कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, ऐसा ही सेम उधर करेंगे। बस उसमें बस इस बात का ध्यान रखना, जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए, और जब आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो भाई मैट्रिक्स ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आता है कि भैया हमें पता कैसे चलेगा कि हमें तीन रो ट्रांसफॉर्मेशन है या तीन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है, कौन सी यूज करनी है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हमें पता कैसे चलेगा कौन सी यूज करें, हमारे लिए तो तीनों एक जैसी लगेंगी, हमें तो कोई तो तरीका होगा इसको इस तरीके से, और हमें पता कैसे चलेगा कि हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करें। बिल्कुल सही क्वेश्चन है आप लोगों के दिमाग में जो आ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल सही। गर्मी काफी ज्यादा है, ठीक है ना, तो चलिए पहले उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या। देखिए आपके पास नॉर्मली जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना, वो भाई एक तो ऑर्डर टू के ऑर्डर थ्री के मैट्रिक्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यानी आप सिंपल ये मान के चलो ए बी सी डी, एक तो आपके पास भाई टू इंटू टू कह सकते हो आप इसे, ठीक है ना, बल्कि इसको मैं यहां पर नंबर देता हूं टू थ्री फोर फाइव, या फिर आपके पास थ्री इंटू थ्री मैट्रिक्स हो सकती है टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक है, ये आपके पास दो तरह के मैट्रिक्स आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, इससे ज्यादा टेंशन भी मत लेना कि एग्जाम में इससे बड़ी मैट्रिक्स आपको आने वाली है, बिल्कुल नहीं आएगी, इन्हीं दो पे खत्म हो जाएगा मामला, ठीक है। ज्यादातर ये आती है लेकिन कुछ चांसेस में ये भी आ जाती है, लेकिन ज्यादातर ये आती है। मैं दोनों के लिए बता कि किस तरीके से आपको एक नॉर्मल मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि एक्चुअल में इस पे तो जो हम इधर इसको आइडेंटिटी बनाने के चक्कर में ये तो अपने आप कन्वर्ट होती चली जाती है, ठीक है ना, बदलती रहती है, ठीक है ना, क्योंकि हम इस पे फोकस नहीं करते, हम इस वाली में मैट्रिक्स पे फोकस करते हैं और इसको कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ठीक है। तो अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मैं टू इंटू टू की अगर मैं एक मैट्रिक्स देखूं तो वो होती है वन जीरो जीरो वन, ठीक है बेटा। अब आपको करना क्या है, बिल्कुल सिंपल तरीका, सबसे पहले आपको ये जो यानी ध्यान रखना ये वाला जो एलिमेंट है ए वन वन, इसको वन बनाना है सबसे पहला, इसको फर्स्ट स्टेप ये है, इसको बना लो वन। कैसे बनाओगे, जैसे आप इसको भाई मल्टीप्लाई कर लो वन बाई टू से रो को पूरी को, तो ये वन बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है ना। इसके बाद आप यहां से आ जाओ इधर ऐसे, फिर इसको बनाओ क्या जीरो, फिर यहां से आओ इधर इसको क्या बनाओ वन, और वन बनाने के लिए जो तीन ऑपरेशन मैंने आपको बताए उन तीनों में से कोई भी इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस आपको बनाना क्या है, इसको पहले वन बनाना है, फिर इसको जीरो, फिर इसको वन, एंड देन फिर आप आओ इधर और इसको बना दो जीरो, ठीक है। और जो ऑपरेशन आप इधर यूज करो वही आपकी इधर भी यानी इस वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी यूज करते चले जाओ, जो आपने इधर यूज करी उसी को इधर यूज कर लो, और उसके एलिमेंट क्या आ रहे हैं ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, वो आपका इशू नहीं है, आपका इशू है इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना। तो जैसे जैसे आप इसको सॉल्व करते चले जाओगे ये ऐसे बन जाएगा और इधर वाली जो मैट्रिक्स है वो चेंज होते होते कुछ और बन जाएगी, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज होकर कोई और मैट्रिक्स बन जाएगी, क्योंकि हमें उसी से इनवर्स मैट्रिक्स निकल के आएगी, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल में वही हमारी इनवर्स मैट्रिक्स है, ओके। चलिए अब बात करते हैं इसकी, इसको कैसे करें, इसमें सबसे पहले बेटा इसको बनाना, ठीक है, इसको क्या बनाना वन, ठीक है, इसके बाद आप ऐसे चलना इन दोनों को बना लेना जीरो, ध्यान रखना मैं इसका आपको बता देता हूं, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये वन बनेगा, फिर ये यहां जीरो बन जाएगा, फिर ये यहां वन बनेगा और यहां ये जीरो बन जाएगा, और तो आपकी मैट्रिक्स आइडेंटिटी में चेंज हो जाएगी, गारंटी बहुत आसानी से हो जाएगी। इस पे जब आप आओगे तो सबसे पहले आप इसको क्या बनाओगे बेटा वन, और आपको नीचे की तरफ जाना यानी ऐसे, पहले यहां पर वन बना लिया, ठीक है बेटा, फिर यहां पर जीरो बना ली, फिर यहां पर जीरो, जीरो बनाने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया आप कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो, क्योंकि जैसे यहां पर आ जाएगा ना थ्री है, मुझे थ्री को क्या बनाना है जीरो, तो मैं क्या करूंगा इसको थ्री से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं, यानी अगर मैं यहां पर लिख दूं आर टू माइनस थ्री आर वन,
बन गया जीरो। मुझे इसको बनाना है सिंपल, क्योंकि ये तो वन हो चुका होगा ना पहले, मुझे इसको वन बनाना है। ध्यान रखिएगा, पहले इसको वन बनाना है, उसके बाद देन मैं आर थ्री में ये ऑपरेशन लगा सकता हूं कि आर थ्री माइनस फोर आर वन, ये देखिए बन गया जीरो, है ना। तो इसलिए उसको वन पहले बनाते क्योंकि उससे आसान हो जाता है। ठीक है, डन। अब नाउ देन आपको चलना है, देखिए ध्यान करिएगा, यहां से यहां और फिर यहां से यहां, यानी इस वाले एलिमेंट को यहां से यहां जाना है, इस एलिमेंट को आपको बनाना है वन। ठीक है, बना लोगे इसको वन बनाने के बाद फिर आप इसको जीरो बना लो, इसको भी जीरो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। जा कुछ जगह आप लोगों को यह पता चलेगा कि पहले भाई यहां पहुंचो, यहां पहले इसको वन बनाओ, वो कोई इशू नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहां पहले वन बनाओ, जीरो बनाओ, जीरो बनाओ, फिर इसको वन बनाओ। ठीक है, सिंपल। ध्यान रखिएगा, आपको जो रो का में जो पहला वन होता है ना वो बनाना है, बस दिमाग पे फोकस इतना रखना है, क्योंकि एक जो थ्री इंटू थ्री की जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो ये होती है। ठीक है, मैं ये भी नहीं कहूंगा इसको रटने की आवश्यकता है। सबसे पहले मैंने इस रो में क्या बनाया, इसको वन बनाया, ये दो जीरो इसी वन से बन जाएंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया। फिर मैं इसको वन बनाऊंगा, फिर इन दोनों को जीरो बना लूंगा, और फिर इसको वन बनाऊंगा, फिर इन दोनों को जीरो बना लूंगा। ठीक है ना, आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, अपनी तरफ से कोई भी ऑपरेशन तैयार मत कर देना। आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई ऑपरेशन तैयार कर दिया और फिर कहो कि भैया देखना ये भी तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ऑपरेशन तीन ही है और इन्हीं का आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अलग से कोई ऑपरेशन मत तैयार करना, बस इतना ध्यान रखना और फोकस इस पे करना है कि सबसे पहले जो रो वन है उसमें इसको वन बनाओ, बाकी के दो जीरो बन जाएंगे, फिर इसको वन बनाओ, बाकी के दो जीरो बन जाएंगे, फिर इसको वन बनाओ, फिर बाकी के दो जीरो बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आप ऐसे जाओ, फिर यहां जाओ, इनको जीरो बनाओ, फिर यहां पे जाओ और फिर इनको बनाओ। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो सकता। ठीक, जैसे यहां पर मैं एग्जांपल के लिए देखिए मैं इस वाली में बताता हूं आपको, अगर मुझे इसको टू को करना है, मुझे वन बनाना है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं आर वन वन बाय टू आर वन लिखूंगा, मल्टीप्लीकेशन वाला लगा लिया, सेकेंड ऑपरेशन लगा दी, ये वन बन गया, अभी हो जाएगा वन, ये टू, ये थ्री, ये फाइव। अब मैं इसको क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा, मुझे इसको क्या बनाना है भाई, इसको जीरो बना लो। ध्यान से एक बात का ध्यान रखना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, मैंने मैं सिंपल कह रहा हूं, ये जरूरी नहीं है, ये तो मुझे खाली एक आइडिया आपको देना पड़ता है, ये कोई कंपल्सरी नहीं है, आपको इसी से करना कंपल्सरी है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नहीं अच्छा लग रहा, नहीं मुझे आपको समझ में आता, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल क्या करना है, इसको वन बना लो, चलो जी मैंने वन बना लिया, मैं तो जी भैया आप इसको जीरो बनाऊंगा, मैं नहीं बना रहा इसको जीरो, मत बनाओ, तुम्हारी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बना लो। चलिए मैं तो इसको बनाऊंगा भैया, पहले बनाऊ जी, मैं करूंगा आर टू और मैं आर टू से माइनस करूंगा थ्री आर वन को। ठीक है ना, अब अगर मैं इसको तीन से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करूंगा तो मेरी क्या बन जाएगी, वन टू, ये जीरो। अब ध्यान से देखिएगा, ये कितना है फाइव, और ये हो जाएगा थ्री टू जै सिक्स, फाइव माइनस सिक्स क्या हो जाएगा, माइनस वन हो गया। मुझे इसको वन बनाना है तो सिंपल में क्या करूंगा बताओ, क्या करूंगा बताओ, मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे क्या दिक्कत, लो जी आर टू में। ठीक है ना, ओके, या मैं इसको इसको प्लस कर लेता हूं, यानी आर टू प्लस आर वन, तो अब ये क्या बन जाएगा, अब मैं इसको जीरो बना लूंगा, जीरो आप समझ ही चुके होंगे कैसे बनेगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि हम रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए इनवर्स कैसे निकालते हैं, तरीका क्या है। तरीका ये है, अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये यूज करना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है ये यूज करना है, और हमें फोकस करना है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने पे, चाहे वो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स या 3 इंटू 3 की। ठीक है ना, सिंपल हम 2 इंटू 2 को केवल ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स बोल देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है इस वजह से। ठीक है, ओके, तो आई होप आप लोगों को ये फंडा क्लियर हो गया। ठीक है, बाकी जो मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा उसमें क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो आप लोगों के जो डाउट्स वगैरह है वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारा फंडा आपको क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स क्या होती है, मल्टीपल मैट्रिक्स क्या होती है, और किस तरीके से हम इनवर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं।
हाँ तो बच्चों, क्लास कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दें और कमेंट करके अपना बताएं आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, खराब लगी, या कोई प्रॉब्लम थी, कोई दिक्कत थी, तो आप मुझे जरूर बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ। अगर किसी भी बच्चे को इसकी जरूरत है, आपको लगता है कि ये क्लास अच्छी है और मेरे इस फ्रेंड को इसकी जरूरत है, तो आप उसको भेज सकते हैं। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है ना, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, तो अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।